नमस्कार साथियों, ज्ञान है जूनर इसकी, ज्ञान है जूनर इसकी, संस्कारों की चोली। सत्य की दिवाली है, भाईचारे की होली। अनेकता में एकता है इसके अलंकार, अनेकता में एकता है इसके अलंकार। हिंदी माथे की बिंदी, हिंदी माथे की बिंदी, पूर्ण करे भारत माँ का श्रृंगार। जी हाँ दोस्तों, काव्य रस एक ऐसा रस है जिसमें कवि ब्रह्मांड की किसी भी रचना को, किसी भी संबंध को एक अलग दृष्टि से, एक अलग सोच के साथ देखता है और उस रचना को एक अलग ही मुकाम तक ले जाने में सक्षम होता है। तभी तो कहते हैं ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो इस बात को सार्थक करते हुए आज हमारे बीच मौजूद हैं कलम की वो शिल्पकार जो हमें अपनी सुंदर रचनाओं को अपने अलग अलग अंदाज में प्रस्तुत करेगी। तो सबसे पहले मैं कराती हूँ आप सबका उनसे परिचय। आप हैं एका पराशर, आप अर्चना जैन, आप हैं पूनम धबाई गुर्जर, नीरा जैन, आप हैं मीनाक्षी माथुर, शाहिस्ता महजबीन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, डॉक्टर मनीषा शर्मा और डॉक्टर मोनिका मिश्रा, आप सभी का यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और डालते हैं अपनी नाव को रचनात्मकता के इस सागर में और प्रारंभ करते हैं अपनी ये सुरमई यात्रा। जाती है पराए घर में, जाती है पराए घर में, अपने ही घर से होकर पराई। जाती है पराए घर में, अपने ही घर से होकर पराई, जाने कितनी बार होती है बेटियों की विदाई। हमारी पहली सहभागी कुछ इसी तरह के भाव लेकर अपनी रचना प्रस्तुत कर रही है, तो आइए सुनते हैं उनसे ये सुंदर रचना। डॉक्टर मनीषा शर्मा, आप हमें अपनी रचना सुनाएं। मेरी कविता का शीर्षक है कितनी विदाई। सुना था हमने बेटियां एक बार विदा होती हैं, सुना था हमने बेटियां एक बार विदा होती हैं, अपनी सुनहरी यादों से एक बार जुदा होती हैं, अपनी सुनहरी यादों से एक बार जुदा होती हैं। पर जब जब रोकती हैं सिसकियां, पर जब जब रोकती हैं सिसकियां रुंधे कंठ के भीतर, पर जब जब रोकती हैं सिसकियां रुंधे कंठ के भीतर, तब हर रोके आंसू से एक बार विदा होती हैं, तब हर रो के आंसू संग एक बार विदा होती हैं। सुना था हमने बेटियां एक बार विदा होती हैं। अलमारियों के जिन हिस्सों में हक जमाया करती थी, अलमारियों के जिन हिस्सों में हक जमाया करती थी, चाबियों के छल्ले को उंगली पे घुमाया करती थी, चाबियों के छल्ले को उंगली पे घुमाया करती थी, जब छूटती हैं हाथों से वो छोटी छोटी तिजोरियाँ, जब छूटती हैं हाथों से वो छोटी छोटी तिजोरियाँ, पूछो कोई उनसे फिर एक बार विदा होती हैं, पूछो कोई उनसे फिर एक बार विदा होती हैं। सुना था हमने बेटियाँ एक बार विदा होती हैं। अपने ही घर में जब मेहमान सी नवाजी जाती हैं, अपने ही घर में जब मेहमान सी नवाजी जाती हैं, बिताने गैरों की तरह बिताने एक टुकड़ा दिन साथ लाती हैं, गैरों की तरह बिताने एक टुकड़ा दिन साथ लाती हैं। जब लेती हैं विदा थाम शगुन का हाथ में, जब लेती हैं विदा थाम शगुन को हाथों में, मत पूछो कोई उनसे फिर एक बार विदा होती हैं, मत पूछो कोई उनसे फिर एक बार विदा होती हैं। सुना था हमने बेटियां एक बार विदा होती हैं। जो घर आंगन सींचा था अपने नेह के जल से, जो घर आंगन सींचा था अपने नेह के घर से, उस घर आंगन में जब नव कलियां खिल जाती हैं, उस घर आंगन में जब नव कलियां खिल जाती हैं, उन अटखेलियों में अपना बचपन ढूंढ लाती हैं, उन अटखेलियों में अपना बचपन ढूंढ लाती हैं। छूटे हुए बचपन संग फिर एक बार विदा होती हैं। सुना था हमने बेटियां एक बार विदा होती हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। घर के त्योहारों की जिनसे
घर के त्योहारों की जिनसे रौनक हुआ करती थी, घर के त्योहारों की जिनसे रौनक हुआ करती थी, होली का जो रंग दिवाली का दिया बना करती थी, होली का जो रंग दिवाली का दिया बना करती थी, जिनके हाथों से पकवानों के थाल सजा करते थे, जिनके हाथों से पकवानों के थाल सजा करते थे, जिनकी रुंझुन से सतरंगी साज बजा करते थे, जिनकी रुंझुन से सतरंगी साज बजा करते थे, जब त्योहारी भगदड़ में खुद को भूला करती हैं, क्या पूछे कोई उनसे फिर एक बार विदा होती है। सुना था हमने बेटियाँ एक बार विदा होती हैं, क्या समझे कोई उनको कितनी बार विदा होती हैं, जब जब अपनापा पालें हर बार विदा होती हैं, एक बार विदाई लेकर कितनी बार विदा होती हैं। सुना था हमने बेटियाँ एक बार विदा होती हैं। बहुत ठीक मनीषा जी, मैं चाहूंगी आप एक कविता और सुनाएं। अगली कविता मैं माँ पर सुनाना चाहूंगी जी। माँ का होना और माँ का ना होना क्या होता है, कैसी अहमियत रखता है हमारे लिए। माँ का होना भ्रूण को खुद में समेटे झिल्ली का होना, माँ का होना खुद को भ्रूण में समेटे झिल्ली का होना, पीड़ा के चरम पर भी होठों का मुस्कुराना, पीड़ा के चरम पर भी होठों का मुस्कुराना, स्त्री से माँ हो जाने का सुकून, स्त्री से माँ हो जाने का सुकून, लोरियों की लहरी में नरम हाथों की थपकियाँ, नन्हे कदमों को उठते गिरते रास्तों की मखमली सी गोद, लोरियों की लहरों में नरम हाथों की थपकियाँ, नन्हे कदमों के उठते गिरते रास्तों की मखमली सी गोद, रोटियों में चुपड़ी हुई ममता की वो सौंधी सौंधी सी महक, रोटियों में चुपड़ी हुई ममता की वो सौंधी सौंधी सी महक, तपते बदन पर वात्सल्य की शीतल सी मुलायम सी पट्टी, तपते बदन पर वात्सल्य की शीतल सी मुलायम सी पट्टी, आँख से गिरते हुए आंसू को हौले से समेटा हुआ वो भीगा सा आंचल, आँख से गिरते हुए आंसू को हौले से समेटा हुआ वो भीगा सा आंचल, बच्चे की ऊंचाइयों पर जीत का जश्न मनाते सपनों का होना, और माँ का ना होना, तितर बितर जाना अचानक उस झिल्ली का, थम जाना लोरी के गीतों का, थपकियों का बिखर जाना मोतियों की तरह, जीवन के रास्तों पर पथली जमी का अंतहीन हो जाना, रोटी की महक का अनंत शिथिल में खो जाना, तपती धरती पर हिमकरों का जल जाना, रह जाना बस आँखों से बहता समंदर और हृदय का सूनापन, छिन जाना आसमान का धरती का टूट जाना, मेरे होने का ना होना, रूठ जाना जीवन का, कितनी दूरी है ना, माँ तुम हो ना। बहुत खूब मनीषा जी। अब जिन को मैं आमंत्रित कर रही हूँ वो ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी शारीरिक कमी से ऊपर उठकर अपनी हिम्मत और मनोबल को तो बनाए ही रखा, साथ ही लेखन जैसे रचनात्मक कार्य में भी महारत हासिल करी। सबसे पहले मैं इनसे संबंधित कुछ पंक्तियाँ बोलती हूँ जो इनकी सृजनात्मकता है, जो इनके अंदर सकारात्मकता है उसको लेते हुए। पड़े फुहारे तनमन पर जीने की आस जगाए, निशब्द पड़ा मन मेरा जाने कितने गीत गुनगुनाए, जरा ठहर जा जिंदगी, पल पल खुशियाँ बरसी जाए। मीनाक्षी माथुर जी,
आप अपनी कविताओं से हमें कृतज्ञ करें। नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है जीनू थोड़ा और रह दिए, जिसे मैं गा के प्रस्तुत करना चाहूंगी। जी बहुत खूब। जीनू थोड़ा और ए दिल, जीनू थोड़ा और ए दिल, बोल दो जिंदगी को, बोल दो जिंदगी को, ठहर जाए कुछ दिन, खुशनुमा हुआ है मौसम, जी लूं थोड़ा और ए दिल, भीनी भीनी सी महक है हवाओं में, भीनी भीनी सी महक है हवाओं में, फैला दूं मैं बाहें अपनी फिजाओं में, फैला दूं मैं बाहें अपनी फिजाओं में, बोल दो हवाओं को ए दिल, बोल दो हवाओं को ए दिल, ठहर जाए कुछ दिन, खुशनुमा हुआ है मौसम, जी लूं थोड़ा और ए दिल, खिलती खिलती सी रंगत है बहारों में, खिलती खिलती सी रंगत है बहारों में, गुनगुनाया सा गुलशन है गुलाबों से, गुनगुनाया गुलशन है गुलाबों से, बोल दो कांटों से ए दिल, बोल दो कांटों से ए दिल, छिप जाए जाके कहीं, खुशनुमा हुआ है मौसम, छिप जाए जाके कहीं, खुशनुमा हुआ है मौसम, जी लूं थोड़ा और ए दिल, बूंद बूंद सी खनकी है फुहारों में, बूंद बूंद सी खनकी है फुहारों में, सरगमी रिदम गूंजी है घटाओं में, सरगमी रिदम गूंजी है घटाओं में, बोल दो बूंदों को ए दिल, बोल दो बूंदों को ए दिल, बरस जाए तन पर, खुशनुमा हुआ है मौसम, जी लूं थोड़ा और ए दिल, बोल दो जिंदगी को, ठहर जाए कुछ दिन, खुशनुमा हुआ है मौसम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी इस कविता से यहाँ का मौसम भी बहुत खुशनुमा हो गया है, तो एक और खुशनुमा कविता आप हमें सुना दीजिए। बिल्कुल, मेरी अगली कविता है ये जो भरता शहरीकरण है और आधुनिककरण है, इसमें एक बेजुबान पंछी क्या कहना चाहता है और क्या महसूस करता है उस पर, और इसे भी मैं गा के ही बोलना चाहूंगी। ना रही वो अम्बवा की डाली, ना रही वो मीठी निमोली, ना रही वो अम्बवा की डाली, ना रही वो
मीठी निम्बोली खो गई है पीपल की छैया, खो गई बरगद की गलवैया, दर दर भटक रहा हूँ, दर दर भटक रहा हूँ, मैं बेजुबान पंछी, दर दर भटक रहा हूँ, मैं बेजुबान पंछी, दूर दूर तक गगन तप रहा है, दूर दूर तक गगन तप रहा है, बंजर पथरीली सूखी धरा है, बंजर पथरीली सूखी धरा है, कंक्रीट सीमेंट से अटा हुआ है, कंक्रीट सीमेंट से अटा हुआ है, अंबर मेरा मुझसे छिंचा गया है, अंबर मेरा मुझसे छिंचा गया है, भूल गया हूँ उड़ान मैं, भूल गया हूँ उड़ान मैं, पिंजरा है रैन बसेरा, पिंजरा है रैन बसेरा, तिनका तिनका भी अब बेजान हुआ है, तिनका तिनका भी अब बेजान हुआ है, घरौंदा नया अब किसने बुना है, घरौंदा नया अब किसने बुना है, शूल सा चुभता है सूरज मुझको, शूल सा चुभता है सूरज मुझको, किस छत बसेरा करूँ अब मैं तो, किस छत करूँ बसेरा मैं तो, सोच रहा हूँ बैठ अब मैं, सोच रहा हूँ बैठ अब मैं, सुने मकान में, सोच रहा हूँ बैठ अब मैं, सुने मकान में, क्या फिर से कोयल कूकेगी यहाँ, क्या फिर से बुलबुल चहकेगी यहाँ, क्या मोर नाचेगा फिर से, क्या मोर फिर से नाचेगा फिर से, ची ची चिड़ियों का शोर गूंजेगा फिर से, ची ची चिड़ियों का शोर गूंजेगा फिर से, आसमान की टूट रही है, आसमान की टूट रही है, प्यासा फड़फड़ा रहा हूँ मैं, प्यासा फड़फड़ा रहा हूँ, जान बचेगी कब तक मुझ में, जान बचेगी कब तक मुझ में, हार के अब चला हूँ जहाँ से, हार के अब मैं चला हूँ जहाँ से, बहुत खूब। हमारी जो अगली सहभागी है वो ग्रामीण क्षेत्र से हैं और वहाँ कई सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई हैं और बहुत ही सुंदर रचनाएं लिखती हैं। तो एका जी, मैं आपको आपसे गुजारिश करूँगी कि आप अपनी रचना सुनाएं। इनकी रचना के भाव माँ को लिए हुए हैं। भीनी सुगंध सुहानी पवन, भीनी सुगंध
भीनी सुगंध सुहानी पवन देखा निर्मल जल, भीनी सुगंध सुहानी पवन देखा निर्मल जल, पर माँ की ममता जैसा कोई नहीं निश्चल। एका जी, मेरी कविता का शीर्षक है नारी तेरे कितने रूप, नारी तू हर साक्षात रूप में सामने आई है, कभी तू ही दुर्गा तो कभी काली माँ के रूप में आई है, तू वही स्त्री है जो यमराज से अपने पति को बचा ली, तू वही है जिसने अपने पति के लिए अग्नि परीक्षा दी, तू वही है जिसने अपने पति के लिए अग्नि परीक्षा दी, चाहे करने को तू क्या कुछ नहीं कर सकती है, जिंदगी में हमेशा दूसरों के लिए सोचा करती है, जिंदगी में हमेशा दूसरों के लिए सोचा करती है, फिर भी तेरा बसेरा कहीं नहीं, पर जिस घर में तू चली जाए उस घर को सजा देती है, कभी तू माँ के रूप में बच्चे को लोरी सुनाया करती है, कभी माँ के रूप में तू बच्चे को लोरी सुनाया करती है, कभी तू देश के लिए लड़ने वाली झांसी की रानी हो, कभी देश के लिए लड़ने वाली झांसी की रानी हो, कभी दूसरों की मदद करने के लिए मदर टेरेसा हो, कभी दूसरों की मदद के लिए मदर टेरेसा हो, अगर इस संसार में कहीं स्वर्ग है वह तेरे चरणों में है, कहा जाता है ईश्वर सब जगह सर्वत्र नहीं हो सकता है, इसलिए माँ तू धरा पर आई है, तेरे बिना ये संसार अधूरा सा लगता है, तेरे होने से ये संसार पूरा लगता है। एक कविता और सुन, ये बेटा बेटी पे है जो फर्क, जो भेदभाव है उसके ऊपर है, इसमें है, लड़का और लड़की में इतना फर्क क्यों जबकि दोनों एक समान, लड़की के पैदा होने पर क्यों उदासी छा जाती है, लड़की के पैदा होने पर क्यों उदासी छा जाती है, वहीं लड़के के आने पर खुशियां क्यों मनाई जाती हैं, आज की लड़की को कमजोर ना समझो उसे देश की तरक्की समझो, इस दौर की बेटी किसी बेटे से कम नहीं है, पढ़ लिख कर तुम्हारा ही घर रोशन करेगी अब वह लड़कों से पीछे नहीं रहेगी, जैसे भगत सिंह देश के लिए लड़े थे खूब लड़ी मर्दानी वाली वो झांसी की रानी थी, लड़का लड़की के होने से ही सृष्टि चलती है, किसी एक के बिना सृष्टि थम सी जाती है जबकि दोनों हैं एक समान, माँ बहन बेटी के रूप में लड़की आए, वही लड़का बेटे पुत्र के रूप में आए, जन्म से लेकर शिक्षा तक दोनों को मिले समान अधिकार, जबकि दोनों हैं एक समान। चलो फिर आज बचपन में लौट जाते हैं गमों के ढेर से खुशियां बटोर लाते हैं। हमारी अगली सहभागी हैं अर्चना जैन, जो कि एक गृहिणी है, सामाजिक सलाहकार हैं और अपने मनोभावों को अपनी रचनाओं में बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करती हैं। अर्चना जी, मेरी पहली कविता है छोटी छोटी खुशियाँ। ये मैंने इसलिए लिखी थी कि सब लोग मुझसे पूछते हैं तो इतनी खुश कैसे रहती है, तो उसका जवाब था ये किस तरह से मैं खुश रह पाती हूँ। छोटी छोटी खुशियाँ जब जिससे मिले बटोर लेती हूँ और दिल भर लेती हूँ उनसे, ठीक वैसे ही जैसे कोई छोटा बच्चा एक एक सिक्के से अपनी गुल्लक भर लेता है और फिर एक दिन फोड़ देता है गुल्लक अपनी किसी ज़रूरत के लिए, ठीक वैसे ही बिखेर देती हूँ मैं भी अपनी सारी खुशियाँ अपने किसी गम की दवा करने के लिए, और फिर हो जाती हूँ उदास रीता रीता सा अपना दिल देखकर, ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चा हो जाता है उदास अपनी खाली गुल्लक देखकर। पर ये उदासी ज़्यादा दिन नहीं रुकती क्योंकि फिर से ये दिल भरने लगती हूँ मैं छोटी छोटी खुशियों से। एक मेरी दूसरी कविता है माउंटेन्स विल कॉल यू अगेन। वो जो दूर बर्फ से ढका पहाड़ देख रहे हो ना तुम, ठीक वैसे ही थे तुम मेरे लिए, अनदेखा अनजाना कभी ना पूरा होने वाला ख्वाब,
तुमसे मिलना चाहती थी, तुम्हें जीना चाहती थी बस एक बार, और फिर किस्मत को तरस आ गया मुझ पर। मैं तुमसे मिली, तुमको जिया मैंने, एक ख्वाब मुकम्मल हुआ। आज भी यादें ताज़ा हैं उस पहली मुलाकात की, जब बहुत देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी और तुम्हारी दूर से एक झलक देखकर ही कैसा खिल गया था मेरा रोम रोम, और कितना रोई थी तुमसे बिछड़कर उस आखिरी मुलाकात के बाद। अब तुम फिर से एक ख्वाब हो, दूर से ही देखती हूँ तुम्हें, जी तो नहीं भरता पर शायद यही नियति है। हाँ, पर किसी ने कहा है मुझसे माउंटेन्स विल कॉल यू अगेन, और तब से जाने क्यों एक ख्वाब फिर से जन्म ले रहा है मेरे भीतर। हुस्न वालों से सजी है हंसी की महफिल, हुस्न वालों से सजी है हंसी महफिल, मेरी तुझ पर ही नज़र हो ये ज़रूरी तो नहीं। हमारी अगली सहभागी शाइस्ता मेज़बीन, आप हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषा में रचनाएं लिखती हैं और कई सामाजिक मंचों से सम्मानित भी की गई है, तो शाइस्ता जी आप अपनी कविताएं सुनाइए। एक कविता जिसका शीर्षक है औरत। दिलों जहाँ से रिश्ते निभाती है औरत, दिलों जहाँ से रिश्ते निभाती है औरत, हर एक घर को जन्नत बनाती है औरत। ये शोहर के तस्कीन का आईना है, ये बस जिंदगी का हंसी फलसफा है, न पूछो कि औरत का क्या मर्तबा है, न पूछो कि औरत का क्या मर्तबा है, गमों को भी दिल में छिपाती है औरत, हर एक घर को जन्नत बनाती है औरत। ये पैदा हुई घर में जब बन के बेटी, ये पैदा हुई घर में जब बन के बेटी, वहीं छा गई फिर घटा रहमतों की, नहीं दुनिया में कोई शेष की जैसी, यूं भी बामुदर को सजाती है औरत, हर एक घर को जन्नत बनाती है औरत। बहन बन के जब भी ये आई जहां में, बहन बन के जब भी ये आई जहां में, बहुत खुश हुए इसके भाई जहां में, उन्हें मिल गई आशनाई जहां में, कि तन्हाई दिल से मिटाती है औरत, हर एक घर को जन्नत बनाती है औरत। यही माँ की सूरत में जब जब भी आई, यही माँ की सूरत में जब जब भी आई, मोहब्बत दुआ ममता साथ लाई, तो बच्चों की किस्मत बहुत जगमगाई, जमाने के हर दुख मिटाती है औरत, हर एक घर को जन्नत बनाती है औरत। शुक्रिया। कभी दिल में माशू का उड़ जान है ये, कभी दिल में माशू का उड़ जान है ये, कभी दिल की चाहत है अरमान है ये, कभी ऐशो इशरत का सामान है ये, सभी रूठे दिल को मनाती है औरत, हर एक घर को जन्नत बनाती है औरत। ये मरियम की बेटी यही बिनते हव्वा, ये मरियम की बेटी यही बिनते हव्वा, खुदा ने अलग ही शरफ इसको बख्शा, ये शाइस्ता बेशक करम है खुदा का, ये शाइस्ता बेशक करम है खुदा का, मोहब्बत के गुलशन खिलाती है औरत, हर एक घर को जन्नत बनाती है औरत। शुक्रिया आपको भेजा। एक कविता और सुनाएं जी, हम तरन्नुम से कहें जी। अंधेरों में शमा को फिर जला कर देख लेते हैं, अंधेरों में शमा को फिर जला कर देख लेते हैं, तुम्हारा अंग है लेकिन मुस्कुरा कर देख लेते हैं, किसी की याद में आंसू बहा कर देख लेते हैं, किसी की याद में आंसू बहा कर देख लेते हैं, ये हीरे मोती हम उन पर
सजा कर देख लेते हैं, हम उनसे दूर होकर देखते हैं क्या गुजरती है, हम उनसे दूर होकर देखते हैं क्या गुजरती है, वो याद आएंगे क्या हमको भुला कर देख लेते हैं, वो याद आएंगे क्या हमको भुला कर देख लेते हैं, इशारों ही इशारों में कभी आंखों ही आंखों में, इशारों ही इशारों में कभी आंखों ही आंखों में, कई नजरों से उनको बचा कर देख लेते हैं, कई नजरों से उनको बचा कर देख लेते हैं, तू हमसे दूर है इस बात का एहसास है हमको, तू हमसे दूर है इस बात का एहसास है हमको, तेरी तस्वीर को दिल से लगा कर देख लेते हैं, तेरी तस्वीर को दिल से लगा कर देख लेते हैं, ये दुनिया है यहाँ रस्सी पे चलना भी जरूरी है, ये दुनिया है यहाँ रस्सी पे चलना भी जरूरी है सीधी राह थोड़ा डगमगा कर देख लेते हैं, शिकस्ता हो गई लेकिन अभी शाइस्ता जिंदा है, शिकस्ता हो गई लेकिन अभी शाइस्ता जिंदा है, चलो फिर हौसलों को सर उठा कर देख लेते हैं, वैसे तो खामोशियां हम दोनों के बीच, वैसे तो खामोशियां हम दोनों के बीच, फिर भी कुछ सरगोशियां हम दोनों के बीच, कहते हैं नज़दीकियां कर देती हैं दूर, कहते हैं नज़दीकियां कर देती हैं दूर, ऐसी ही कुछ दूरियां हम दोनों के बीच। हमारी अगली शिल्पकार, रचनाओं की शिल्पकार अजमेर से हैं और इनको रचनाएं लिखने में महारत हासिल है, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती हैं और इनका सुनाने का भी एक अलग अंदाज है, तो मैं निवेदन करूंगी डॉक्टर मोनिका मिश्रा से कि वो अपनी रचनाएं हमें सुनाएं। धन्यवाद। मेरी रचना का शीर्षक है इंतजार। स्त्री अपने जीवन में केवल इंतजार को ही अपना कर्म मानती है और उसी पर उम्मीद जगा रही है, कुछ इसी तरह की पीड़ा इसमें है। इतनी तेजी से निकले, इतनी तेजी से निकले तुम उसके पास से कि वो समझ भी न पाई कि कोई गुजरा वहां से, जाते 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 एक बार तो पीछे मुड़कर देखा होता, जाते जाते एक बार तो पीछे मुड़कर देखा होता, वो चौराहे पर खड़ी कर रही है इंतजार तुम्हारा, वो चौराहे पर खड़ी कर रही है इंतजार तुम्हारा, आज भी वो देख रही है, आज भी वो देख रही है उस राह को जिस राह से रोज तुम आते रहते थे पास उसके, जिस राह से रोज तुम आते रहते थे पास उसके, पगली पगली क्या जाने की जिस राह पर खड़ी वो कर रही है इंतजार तुम्हारा, पगली क्या जाने की वो जिस राह पर खड़ी वो कर रही है इंतजार तुम्हारा,
वो राह कब के आगे जाकर मुड़ गई है कहीं और, वो राह कब के आगे जाकर मुड़ गई है कहीं और, जिस राह पर इतनी तेजी से निकले तुम उसके पास से कि वो समझ भी न पाई कि कोई गुजरा वहाँ से। वो समय बीत चुका है तुम्हारे लिए, वो समय बीत चुका है तुम्हारे लिए, पर वो पल थम चुके हैं उसके लिए, पर वो पल थम चुके हैं उसके लिए। आज भी वो खड़ी चौराहे पर कर रही है इंतज़ार तुम्हारा, आज भी वो चौराहे पर खड़ी कर रही है इंतज़ार तुम्हारा, देख रही है उस राह को जिस राह से रोज तुम आते रहते थे पास उसके। जाते जाते एक बार तो पीछे मुड़कर देखा होता और एक दिलासा जो उसे देता जाता, तो कितनी मधुर होती उसकी रातें, तो कितने मधुर होते उसके दिन, तो कितनी मधुर होते उसकी रातें, तो कितने मधुर होते उसके दिन। मिट जाता मन का ताप, घुल जाता होठों का विषाद, घुल जाता होठों का विषाद, भर जाता निर्मल राग, मिल जाता उसका प्यार। हे निर्मोही, कहीं लंबी न हो जाए ये इंतज़ार की घड़ियाँ, कहीं टूट न जाए उसके सांसों की लड़ियाँ। लौट आ उस राह पर जिस राह से रोज तुम आते रहते थे पास उसके, जहाँ आज भी वो खड़ी चौराहे पर कर रही है इंतज़ार तुम्हारा, कर रही है इंतज़ार तुम्हारा। वो कोई और होंगे बहारी चमन ढूंढने वाले, वो कोई और होंगे बहारी चमन ढूंढने वाले, मैं वो गुल हूँ जिसे बहार खुद ढूंढे, मैं वो गुल हूँ जिसे बहार खुद ढूंढे। कुछ ऐसा ही जज्बा लिए हमारी अगली सहभागी आ रही हैं, जिनमें यशोदा मैया सा वात्सल्य है तो लक्ष्मीबाई सा साहस भी है। आप राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी और स्वर्ण पदक विजेता हैं और दूरदर्शन पे भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत कई खूबसूरत कार्यक्रम आपने दिखाए हैं। आप एक रचनाकार हैं, खिलाड़ी हैं और न जाने कितनी खासियतें आपके अंदर हैं, तो आज इनका एक नया परिचय आप सबके सामने होने वाला है एक कवित्री के रूप में, हमारी अगली सहभागी सुनीता गौड़ को। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। और जैसा कि मेरी साथी ने कहा, एक महिला तो अपने आप में स्वभाव से ही रचनाकार होती है, उस महिला को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं होती जो कि एक परिचय को जन्म देती है। क्या मीरा, क्या सीता, क्या कान्हा को जन्म दिया यशोदा ने, और जन्मदात्री देव की नहीं मिलती अब इस जमाने में। ऐसी ही कुछ महिला की प्रकृति के साथ हम सभी जीते हैं और हर पल के साथ अपने अनुभवों को बांटते हैं। ऐसा ही जीवन के हर पड़ाव पर हमें तरह तरह के अनुभव मिलते हैं। मैंने भी अपने अनुभवों को कुछ कोशिश की है अपने शब्दों में आपके सामने निवेदन करने की। आग हूँ मैं। दोस्तों, महिला के अनेक रूप देखने को मिलते हैं, वो बहुत कोमल भी है तो बहुत सख्त भी है। बच्चा जब उद्दंडता करता है तो माँ का सख्त रूप उसे चाहिए, और बच्चा जब बहुत ही अनभिज्ञ ऐसी भावनाओं से ओतप्रोत माँ की गोद में जब उसे दुग्ध चाहिए तो वह वात्सल्य की प्रतिपूर्ति यशोदा के रूप में भी उसे अपना अनुभव कराती है। ऐसे ही मैंने कुछ लिखा है नारी के एक नए रूप को लेकर के। आग हूँ मैं, हाँ
आग हूं मैं, मत छूना मुझे तुम, आग हूं मैं, मुझे मत छूना तुम, मुझे तो गरीब के चूल्हे को देने में तपन में आनंद ही अलग आता है। आग हूं मैं, मुझे मत छूना तुम, मुझे तो गरीब के चूल्हे में तपन देनी है, ये मेरी बात सुन। कुंभ हूं मैं, हाँ कुंभ हूं मैं, जिसे बनाने वाला कुम्हार, एक कुंभ हूं मैं जिसे बनाने वाला कुम्हार, अपना ही प्रतिबिंब समझ छोड़ गया दुनिया के इस रेले में। कुंभ हूं मैं जिसे बनाने वाला कुम्हार, अपना ही प्रतिबिंब समझ के छोड़ गया दुनिया के इस रेले में, और थका हारा ज्ञान से अज्ञान, और थका हारा ज्ञान से अज्ञान, प्यासा तृप्त हो निकल गया इस नश्वर से मेले में, और थका हारा ज्ञान से अनजान, तृप्त हो मेरे जल से निकल गया इस नश्वर मेले में, मेरे रीतेपन को भरने की आस में, मेरे रीतेपन को भरने की आस में, बरसों से पड़ा हूं मैं कड़वे नीम के नीचे, मेरे रीतेपन को भरने की आस में पड़ा हूं मैं एक बहुत ही कड़वे नीम के नीचे, ढांढस बंधाता है 100 बरस जीने का, ढांढस बंधाता है 100 बरस जीने के लिए, अट्ठास करते दुशासनों ने कोशिश की, ढांढस बंधाता है वो कड़वा नीम मुझे 100 बरस जीने का, और अट्ठास करते दुशासनों ने कोशिश की मुझे तोड़ने मरोड़ने और अनुपयोगी साबित करने की, जी हाँ अट्ठास करते दुशासनों ने कोशिश की मुझे तोड़ने मरोड़ने और अनुपयोगी साबित करने की, पर बारिश की कुछ बूंदों ने, पर बारिश की कुछ बूंदों ने मेरे माटी के तन मन को कर दिया लबालब, पर बारिश की कुछ बूंदों ने मेरे माटी के तन मन को कर दिया लबालब, और भर दिया मुझे और दे दी एक जीजी विशा जीने के लिए, और बारिश की कुछ बूंदों ने मेरे माटी के तन मन को कर दिया लबालब, और दे दी एक जीजी विशा जीने के लिए, सक्षम हूँ आज मैं, हाँ दोस्तों सक्षम हूँ आज मैं अपने कुम्हार का प्रतिबिंब बनकर, सक्षम हूँ आज मैं अपने कुम्हार का प्रतिबिंब बनकर खड़ा रहने को, आभारी हूँ मैं उस कड़वे नीम का, आभारी हूँ उसमें कड़वे नीम का, जिसकी छाया ने मुझे कड़वी नीम की बोली दी, जिसकी छाया ने मुझे कड़वी नीम की गोली दी, पर जिसने भी पिया जल मेरा, पर जिसने भी पिया जल मेरा, उसके तन और मन की पीड़ा ने फिर कभी ना कोई गोली ली, पर जिसने भी पिया मेरा जल उसने कभी भी कोई तन और मन की पीड़ा के लिए कभी ना कोई गोली ली। कुंभ हूँ मैं, जी हाँ कुंभ हूँ मैं उस कुम्हार का जो जीता है मुझ में आज भी, कुंभ हूँ मैं उस कुम्हार का जो जीता है मुझ में आज भी, और अभिमान करता है अपने ही प्रतिबिंब पर, और अभिमान करता है अपने ही प्रतिबिंब पर। बहुत सुंदर, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारे से प्राकृतिक नियमों से छूटते हैं और हमें जीवन के नए पड़ाव में नए रिश्तों का स्वीकार करना पड़ता है, उस रिश्ते को कोई नहीं भर सकता, लेकिन ताउम्र जब हम जीते हैं वो रिश्ता हमें कहीं ना कहीं लगता है मिल जाए, कहीं हमें उस रिश्ते की भरपाई हो जाए, ऐसी उन भावनाओं को मैं आपके सामने प्रदर्शित कर रही हूँ। कोई अपना सा रिश्ता, मेरा जन्म प्रकृति की स्वीकृत पद्धति से हुआ, मेरा जन्म प्रकृति की स्वीकृत पद्धति से हुआ, और यहीं से मैंने प्रारंभ की रिश्तों की यात्रा, और यहीं से मैंने प्रारंभ की रिश्तों की यात्रा, माँ से पाया जीवन का वो संसार, माँ से पाया जीवन का वो संसार, जिसमें अनगिनत रिश्ते बने उम्र के हर पड़ाव पर,
निभाती गई इन रिश्तों को निश्चल भाव से, निभाती गई हर रिश्ते को निश्चल भाव से, क्योंकि अभी मेरा एक रिश्ता जुड़ा हुआ था माँ के आंचल से, क्योंकि अभी मेरा एक रिश्ता जुड़ा हुआ था माँ के आंचल से। कायम था माँ से वो रिश्ता जिसमें अनेक रिश्ते इस तरह समा गए जैसे कि समुद्र में नदियां समाती हैं। कायम था वो मेरा रिश्ता माँ के उस आंचल से जिसमें समाते गए अनगिनत रिश्ते जैसे अनेक नदियां अपने अस्तित्व को समा देती हैं समुद्र में। समय बदला और प्रकृति के बनाए उम्र के इस पड़ाव पर, समय बदला और प्रकृति के बनाए उम्र के इस पड़ाव पर छूट गया सिर्फ एक माँ का साथ, छूट गया सिर्फ एक माँ का रिश्ता। सोचा जिंदगी के इतने अनगिनत रिश्तों से भर लूंगी माँ की कमी को, सोचा जिंदगी के अनगिनत रिश्तों से भर लूंगी माँ की इस कमी को, और ढूंढने लगी हर रिश्ते में, और ढूंढने लगी हर रिश्ते में अपने अस्तित्व को, और ढूंढने लगी हर रिश्ते में अपने ही अस्तित्व को। अनेक वर्षों तक इन रिश्तों की भूल भुलैया में, अनेक वर्षों तक इन रिश्तों की भूल भुलैया में भटकने के पश्चात मैं भूल गई अपने ही अस्तित्व को। अनेक वर्षों तक रिश्तों की इन भूल भुलैया में जीने के पश्चात मैं भूल गई अपने ही अस्तित्व को। जो मिला था मुझे मेरी माँ से, जो मिला था मुझे मेरी माँ से, आजाद पंछी सा खुले आसमान में उड़ता मेरा मन, आजाद पंछी सा खुले आसमान में उड़ता मेरा मन, निस्वार्थ निश्चल सरल पर अत्यधिक कोमल, निस्वार्थ निश्चल सरल पर अत्यधिक कोमल। मकड़ी के जाले से बने इन रिश्तों में, मकड़ी के जाले से बने इन रिश्तों में आज बहुत बोझिल हूँ मैं, मकड़ी के जाले से बने इन रिश्तों में आज बहुत बोझिल हूँ मैं। नहीं मिलता कोई अपना सा रिश्ता, नहीं मिलता कोई अपना सा वो रिश्ता जिसकी गोद में रखकर मैं अपना सिर, नहीं मिलता वो कोई अपना सा रिश्ता जिसकी गोद में रखकर मैं अपना सिर कर सकूं अपने मन को हल्का, जिसके आंचल में रखकर अपना मैं सर कर सकूं अपने मन को हल्का, और भूल जाऊं हर रिश्ते को, और भूल जाऊं हर रिश्ते को। बहुत खूब, बहुत सुंदर सुनीता जी, बहुत खूब। वतन से सांसे मेरी, वतन से सांसे मेरी, वतन से पहचान है। मत कहो माटी इसे, मत कहो माटी इसे, ये मेरा अभिमान है। कुछ देशभक्ति के ऐसे ही भाव लेकर आ रही हैं हमारी अगली कवित्री नीरा जैन जी। नीरा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। ये गृहिणी तो हैं ही, साथ में एक बहुत अच्छी लेखिका हैं और बहुत सारी कविताएं बहुत ही सुंदर ढंग से लिखती हैं। नीरा जी, वतन पर मैंने लिखा है और अपने देश के प्रति मैंने अपने सुंदर भाव इस रचना के माध्यम से समर्पित किए हैं। दिल मेरा और धड़कन मेरी आन है, दिल मेरा और धड़कन मेरी आन है, ए वतन तुझ पर जा भी कुर्बान है, सजदे में कलम सदा यूं झुकती रहे, सजदे में कलम सदा यूं झुकती रहे, शब्द शब्द में तेरी इबादत रहे, भाव मन के सदा हो शहादत भरे, भाव मन के सदा हो शहादत भरे, अक्षर दिल में यूं तेरा सम्मान रहे, ए वतन तुझ पे जा भी कुर्बान है, नवरस दो समर्पित करे वंदना, नवरस दो करे समर्पित वंदना, शब्द शब्द शक्तियां करे तेरी अर्चना, शब्द शब्द शक्तियां करे तेरी अर्चना, भाव भी तू
तू ही कल्पना में है, भाव भी तू तू ही कल्पना में है। शब्द गुणों में तेरा ही बखान रहे, शब्द गुणों में यूं तेरा ही बखान रहे। ए वतन तुझ पे जायूं भी कुर्बान है, अलंकार सारे तेरा यूं श्रृंगार करें, अलंकार सारे तेरा यूं श्रृंगार करें। छंद छंद समृद्धि के स्वस्तिक गढ़े, सारे जग में निराली तेरी शान है। ए वतन तुझ पे जाए भी कुर्बान है, ए वतन तुझ पे जाए भी कुर्बान है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है बेटी। उगती सुबह सी होती है बेटी, उगती सुबह सी होती है बेटी, माँ के अतीत का भविष्य होती है बेटी। दो नन्ही चोटी में बंधी, दो नन्ही चोटी में बंधी, माँ की शरारत होती है बेटी। थकान में मुस्कान और माँ की पीड़ा का मरहम होती है बेटी। माँ के अनुभव का निचोड़, माँ के अनुभव का निचोड़ और नानी का दर्जा देती है बेटी, और नानी का दर्जा देती है बेटी। माँ तो पूर्ण बेटे से है, माँ तो पूर्ण बेटे से है पर संपूर्ण बनाती है बेटी। माना कि सभी रिश्ते समाहित है माँ में, माना कि सभी रिश्ते समाहित है माँ में, पर माँ अधूरी होती है बिन बेटी, पर माँ अधूरी होती है बिन बेटी। बहुत खूब, बहुत खूब। अपने भुजे मन को जलाने की जिद है, अपने भुजे मन को जलाने की जिद है, सोए हुए आत्मसम्मान को जगाने की जिद है। जीतना है मुझे खुद से ही, जीतना है मुझे खुद से ही, आज खुद को हराने की जिद है। हमारी अगली सहभागी जो है एक गृहिणी है, लेकिन गृहिणी शब्द के मायने जितने कठिन होते हैं, ये शब्द जितना सरल है इसके मायने उतने ही कठिन होते हैं, और ये पंक्तियाँ उसी बात को समर्पित थी। पूनम धवाई गुर्जर गृहिणी है, लेकिन बहुत अच्छी रचनाकार है, सुंदर कविताएं लिखती है अपने व्यस्तता के बावजूद, और कुछ ऐसे ही भाव लेकर आ रही हैं अपने कविता के माध्यम से। धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है अहिल्या आज भी बनती। जब आरोप झूठे लगते हैं, जब आरोप झूठे लगते हैं, असलियत कोई सुनता नहीं। जब आरोप झूठे लगते हैं, असलियत कोई सुनता नहीं, सच्चाई कुचली जाती है तब अहिल्या बनती है। हाँ अहिल्या आज भी बनती है। जब कोख जांची जाती है, जब कोख जांची जाती है, भेद भ्रूण में होता है। जब कोख जांची जाती है, भेद भ्रूण में होता है, ममता रोती कलपती है, ममता रोती कलपती है, तब अहिल्या बनती है। हाँ अहिल्या आज भी बनती है। जब मोल ज्ञान का होता नहीं, जब मोल ज्ञान का होता नहीं, देह परखी जाती है। जब मोल ज्ञान का होता नहीं, देह परखी जाती है, हीन विद्वता होती है, हीन विद्वता होती है, तब अहिल्या बनती है। हाँ अहिल्या आज भी बनती है। सेज पर साथी चाहिए, सेज पर साथी चाहिए, मन में कोई सम्मान नहीं। तोड़ा जाता जब आत्मविश्वास, तोड़ा जाता जब आत्मविश्वास, तब अहिल्या बनती है। हाँ अहिल्या आज भी बनती है। ये शाप कब पूरा होगा, ये शाप कब पूरा होगा, अवतार नहीं होते अब तो। ये शाप कब पूरा होगा, अवतार नहीं होते अब तो, क्या प्रस्तरशिला ही नियति है, क्या प्रस्तरशिला ही नियति है, हर रोज अहिल्या बनती है। हाँ अहिल्या आज भी बनती है। रोजाना जुमले सहती,
रोजाना जुमले सहती है प्रतिक्षण अमानक बनती है। रोजाना जुमले सहती है प्रतिक्षण अमानक बनती है। पीड़ा भयंकर सहती है, पीड़ा भयंकर सहती है, हर स्त्री अहिल्या बनती है। हाँ अहिल्या आज भी बनती है। उठो अब प्रतिकार करो, उठो अब प्रतिकार करो, अब राम नहीं आते कभी। उठो अब प्रतिकार करो, अब राम नहीं आते हैं कभी। अपनी रक्षक तुम स्वयं बनो, अपनी रक्षक तुम स्वयं बनो, तुम खुद में पूरी सृष्टि हो। तुम क्यों इतना सहती हो, हाँ क्यों इतना सहती हो, तुम क्यों अहिल्या बनती हो। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। जैसे कि मैंने प्रारंभ में बात करी थी कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, ठीक उसी तरह से बात करें अगर नारी शक्ति की, तो नारी शक्ति भी वो है जो कि पूरी सृष्टि करता है। अपने आप में एक पूरी शक्ति है, एक सृष्टि है, इस संसार को जन्म देने वाली है। तो जिस तरह से कवि अपनी पहुँच कहीं तक भी रखता है, किसी भी मुकाम तक रखता है, ठीक उसी तरह से नारी की पहुंच भी बहुत ऊपर तक है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मुश्किलों के सागर में कोशिशों की नावें हैं, मुश्किलों के सागर में कोशिशों की नावें हैं, झांक ले प्राणी मन के भीतर, झांक ले प्राणी मन के भीतर, स्वयं को पहचान ले। मन ही सागर, मन ही नैया, मन ही पार लगावे है। तो दृढ़ इच्छा शक्ति की इस भावना के साथ मैं आशा करती हूँ कि आप सबको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। और मैं धन्यवाद करती हूँ हमारी इन सुंदर रचनाओं को रचने वाली शिल्पकारों का, जिन्होंने कि इस कार्यक्रम को बेहतरीन बनाने के लिए अपने प्रयासों को यहाँ प्रस्तुत किया। तो इसी उम्मीद और आशा के साथ आप सबका भी धन्यवाद। अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार।